हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी है शाम का वक्त, मेरा कॉल आ रहा है। अभी है शाम का वक्त और टाइम आप देख सकते हैं कितना हो रहा है यार, 7 बजने वाले हैं। और मैं अभी आज कुछ खास है तो आप बने रहिएगा, देखते हैं कहाँ तक क्या क्या चीज़ें जाती हैं, कोशिश पूरी कर रही हूँ। तो आज कुछ खास है, अभी मैं निकल रही हूँ मार्केट के लिए। एक मिनट, लाइट चला दूँ, 1 मिनट। हाँ, तो बस मैं लॉक ही कर रही थी, फिर मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों से बातचीत कर लेती हूँ। तो आज कुछ खास है और मैं अभी मार्केट के लिए निकल रही हूँ, तो रेडी हो चुकी हूँ और मैंने बैग वगैरह भी ले लिया है। तो कुछ सामान लेने जाना है मुझे, बच्चे नीचे पार्क में खेल रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ तनु को तो मैं साथ में ले जाऊँ। मैं एक बार की चेक कर लेती हूँ मेरे बैग में है या नहीं। चार्जर वगैरह सब इसमें ही रख दिया है। 1 मिनट, होनी चाहिए उसी में की होनी चाहिए। एक तो है ना, चीज़ें अभी है ना सेटल नहीं हो रही है, जो चीज़ मुझे अब मेरी पर्सनल लगती है मिल गई है तो मैं वो अपने बैग में रख देती हूँ। तो इसमें ना बहुत सारा सामान हो रहा है बेफालतू का। तो चलिए चलते हैं और थोड़ा बहुत सामान लेके आना है वो भी ले आते हैं। टीवी वगैरह बंद कर देती हूँ। तो लॉक कहाँ गया? हाँ ये रहा, लॉक भी ले लिया। स्लीपर्स बाहर ही हैं। तो चलो फिर आपको साथ चलते हैं, मिलते हैं, फिर मिलते हैं, है ना। पहले निकल लेते हैं, रुको। स्लीपर वीडियो बना दे रे, ले जाने के चक्कर में ये नहीं है ना कि तुम्हारे, अरे अरे अरे, एक मिनट रुक जा, शट अप ना कर, मार खाने दो, चुप हो जा। क्या कह रहे हो? आप गिफ्ट खरीद ले रहा हूं, आपको पैसे दे देंगे वो। तो मैं मार्केट पहुंच गई हूं, बस हम यहां पे वेट कर रहे हैं दुकान पे। आप लोगों को पता ही है मैं यहां पे केक लेने आई थी, तो केक का वेट कर रहे हैं, वो बेकरी से मंगा रहे हैं और मैं इधर वेट कर रही हूं। और यहां पे मैं दिखाऊं तो मेरे पीछे काफ़ी अच्छा एक मंदिर है और मेरे को भी यहां की जगह नहीं पता, ज़्यादा कुछ भी नहीं होती है, बड़ी मुश्किल से मिला है। तिलक नगर आई हूँ मैं यहाँ पे, जो है वो जानते होंगे यहाँ के। तो अब मैं आ चुकी हूँ और सब्जी भी, मैं आते वक्त मैं सब्जी भी लेती आ गई थी और बस अब मैं इन सब चीज़ों को रख दूँगी। बस यहाँ पे ये अपनी चीज़ें कर रहे हैं कि ये दे दो मम्मी, वो दे दो, ये अपने लिए भी कुछ खाने का लेकर आए हैं। तो मैंने कहा नहीं, पहले हाथ धो। तो मैं उनको डांट रही थी कि कितनी बार समझाऊँ कि पहले हाथ धोया करो बाहर से आके। तो यहाँ पे बस अब मैं जो सामान रसोई का है वो रसोई में रखना है और जो मेरा फ्रिज का है मेरे को अभी फ्रिज में रखना है, तो बस वही सब कर रही हूँ। तो अभी अभी बस आ गए हैं हम थोड़ा सामान लेके। आप लोगों को पता चल ही गया होगा, एक्चुअली आज है इनके पापा का बर्थडे, तो बस उसी चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं। और भैया लाइट बंद होती है, छिपी है जो हमें बहुत परेशान कर रही है, कभी नीचे आ जाती है कभी ऊपर आ जाती है, डर लगने लग गया उससे। तो चलो विंडो खोलते हैं और आप कुछ नया देख रहे होंगे तो आप कहेंगे कि मुझे बताया नहीं, तो पहले मैं विंडो खोल देती हूँ। गर्मी लग रही है क्योंकि इसी कारण विंडो लगाई है। ओके, ये विंडो खुल गई है, हटो चलो अंदर। मम्मी ये नया फोन है, इसने आप इसको फ्रंट भी वीडियो चलाते चलाते कर सकते हो। हाँ, तो ये जो नेट लगवाई है ये है मॉस्किटो नेट, जो कि वॉलक्रो से अटैच्ड होती है। जैसे हम इसको ना, ये देखिए ये है ना, इसे हम हटा सकते हैं। तो ये ऐसा कुछ फैब्रिक होता है, काफ़ी प्लास्टिक जैसा फैब्रिक होता है ये, और इस को है ना वॉलक्रो से ले, देखो पहले ये पट्टी लगाई जाती है, वो लगाने वाले आते हैं और स्टेपलर से इसे स्टिक कर देते हैं, फिर ये स्टिच करके लेकर आते हैं
और यहाँ पे इस तरीके से ये चिपक जाता है, फिर ये हटता नहीं है आराम से। और अगर आपको वॉश करना है, हटाना है, तो आप इस तरीके से हटा सकते हैं और इसको वापस इस तरीके से चिपका दीजिए। और इसे धोना, धोने की कोई परेशानी नहीं है, कुछ भी करने की कोई परेशानी नहीं है। मैंने ये कई जगह पे लगवा ली है, क्योंकि यहाँ पे ना मच्छरों का बड़ा आतंक सा है, क्योंकि खाली है ना यहाँ जगह। तो देखिए यहाँ पे भी मैंने लगवा ली है, देखिए मैंने किचन में भी लगवा ली है ये। पर किचन में मैं पहले सोची थी ना लगवाऊ ना लगवाऊ, लगवा ली है, पर सही है, जो डायरेक्ट हवा आती थी वो नहीं आ रही, वो कम आ रही है मतलब। और यहाँ पे भी लगवा लिया। अब मैंने सारी विंडो ओपन कर दिया, रात को सच में ठंडा लग जाता है। हाँ तो ये यहाँ पूरे पे लग गई है। और ये टेम्परेली मैंने पर्दा किया क्योंकि टीवी नहीं दिखता, मुझे कर्टन लेके आने हैं। अभी कई चीजें हैं जो मुझे लानी है, हाँ कई चीजें हैं जो भी और करनी है, तो धीरे धीरे होगी। आप लोग सब समझते हैं हर चीज एकदम से यहाँ आना, मेरे को कितना दिल्ली चक्कर काट रही, कभी यहाँ कभी वहाँ, बहुत ज्यादा परेशानियां होती हैं। तो अभी इसलिए थोड़ा सा खर्चा ज्यादा हो गया, मत करें उसे लगा दो अभी मत करो। तो ये नेट वैसे सबसे बेस्ट होती है। इन्हें धोना क्या है, जस्ट उतारा और पानी से धो दिया, जैसे भी आपको धोना है, जिस तरीके से ये गंदी है उस हिसाब से आप धो सकते हैं। तो जो खिड़कियों में ऑब्वियसली लगी होती है, अगर नहीं लगी है तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं, मैं आपको दिखाती जरूर। पर जिस टाइम ये आए थे, इसी टाइम आते हैं वो लोग लगाने, पहले मेजरमेंट ले जाते हैं, तो उस टाइम चली गई थी लाइट और हम मोबाइल की टॉर्च से मैं ये लगवा रही थी, क्योंकि वो आते ही इसी टाइम में वो लाइट चली गई थी, कल बारिश आई थी और एकदम से लाइट चली गई। तो अब थोड़ा सुकून है, ठंडा रहता है कमरा काफी, नहीं तो पहले विंडो बंद करते थे ना तो बहुत ज्यादा सफोकेशन मुझे फील होता था, क्योंकि आपको पता है मेरे को थोड़े से खुले खुले घर की आदत हो गई है। तो अब थोड़ा सा सुकून है, कल से बहुत अच्छे से सुकून है, थोड़ी सी खीर टेस्ट करो, अभी कराती हूँ। तो मैं जाने से पहले खीर बना गई थी, तो खीर मेरी बन चुकी है और अब मुझे बनानी है सब्जी। तो ज्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ, बस खाना बना रही हूँ घर में, और केक ले आई हूँ, तो ज्यादा कुछ नहीं करूंगी। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको अपनी खीर, ये देखिए ये मैंने खीर बनाई है, बहुत ही इंस्टेंट तरीके से बनाई है। एक बार और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है ये, तो बस इसमें एक डिफरेंस है कि उस टाइम पे मैंने चावल पीस के डाले थे, इसमें मैंने चावल पीस के नहीं डाले। और ये बासी चावलों की खीर बनाई है, ये इंस्टेंटली बन गई है। और ये चाय का भगोना हटाना बेटा, रुको वहां रख दो, बर्तन धोने हैं मुझे, बर्तन इकट्ठे हो गए मेरे, देखो कटोरी हटा ली, चलो बिल्कुल अच्छी। तो अब ये खीर बन गई है, चलो फटाफट से सब्जी की तैयारी करते हैं, क्योंकि भैया 8 बज गए हैं, बजने वाले हैं, अभी है 10-15 मिनट, तो फटाफट से मुझे कुछ ली सी रोटी है हूँ, खाने पीने की तैयारी कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो बस यहाँ पे ये बलून आपको पता ही होगा, मैंने अपने बच्चों के टाइम पे ये मैंने खरीदे थे, और सच कहूँ तो ये एक बार खरीद लो, आप अपने घर के सारे बर्थडे निपटा सकते हो। तो बस इनमें मैंने दोबारा हवा फिल कर दी है और ये दोबारा से लगा दिया है, कुछ नहीं बिगड़ता इनका, फेंकने से अच्छा है कि इनको रीयूज़ करो जब तक इनमें जान है। तो मैंने वही वाले निकाले और इनको दोबारा से इनमें हवा भर के, और मैंने यहाँ इन्हें धागे की सहायता से टांग दिया है। मैंने टेप नहीं लगाई है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने टेप लगाई थी अपने पुराने वाले घर में, तो उसके साथ है ना पेंट उपड़ के आ गया था, मतलब निकल गया था, तो मैं नहीं चाहती थी कि यार अभी से यहाँ पर दगे मतलब ऐसा कुछ दिखे, तो मैंने इस तरीके से लगा दिया। मैंने कहा ज़्यादा डेकोरेशन मुझे करनी नहीं थी, क्योंकि ना ही मेरे पास टाइम मिला, और यहाँ ही ना ही मैं जहाँ रह रही हूँ वहाँ पे आसपास कहीं पे भी शॉप नहीं थे, तो मुझे दूर जाना पड़ा, तो इस वजह से मैंने हल्का फुल्का ही करा। तो बस जो किया वो आप लोगों के सामने है, मेरे से ज़्यादा मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि हाँ मम्मी ऐसे करो वैसे करो, बार बार फ़ोन करा के पूछ रहे थे कि पापा कब आ रहे, कितने बजे आ रहे, तो अभी वो बस जस्ट आने ही वाले हैं। तो उससे पहले बस मैंने ये सब कुछ सेट कर रही हूँ, मैंने कहा आते ही मतलब मेरे को केक कटवाऊँगी मैं उनसे जब वो हाफ फ्रेश हो जाएंगे। तो मैंने केक रख दिया है और यहाँ पे मैंने इंस्टेंट टेबल बनाया है, मेरे घर में इतना छोटा टेबल नहीं है आपको पता है, और जो बड़ा टेबल है वो कपड़े उस पर रखे हुए हैं, तो इसलिए मुझे टेबल चाहिए था। तो फिर मैंने ये इंस्टेंट गत्ते का टेबल बनाया है, और आप देख सकते हैं कहीं से भी बुरा नहीं लग रहा है। आप कहेंगे तो मैं बताऊंगी आपको अगर कहेंगे। और ये टेबल है ना मैंने टी शर्ट से बनाया है, और कोई कट नहीं, कोई सिलाई नहीं, कोई स्टिच नहीं, कोई टेप नहीं, विदाउट किसी भी उसके। केक वगैरह सब सेट कर दिया, क्योंकि वो आने वाले हैं 5 मिनट में। टीवी की आवाज़ थोड़ा सा कम करती हूँ,
तो केक सेट कर लिया हम लोगों ने, मैं दिखाती हूँ एक मिनट। ये देखिए बड़ा ही अच्छा टूटी फूटी टाइप सा केक मिला है, पिस्ता वगैरह डला है तो कुछ इस तरीके का है। तो हाँ बेटा देखना उधर ही होगा तेल के डब्बे के आसपास, तो देखते हैं कैसा क्या होता है। और थोड़ी सी छोटा सा ही किया है सेलिब्रेशन जैसा, एक माहौल क्रिएट किया है। तो चलिए आते हैं फिर देखते हैं, हम आपको लगा देते हैं। हाँ मुझे क्या पता, मैं इधर मेरे को निकलने में थोड़ा सा लगा ना, क्या कहीं और ना चली जाऊं। सेलिब्रेशन यहाँ पे कहाँ से है मुझे रास्ता नहीं पता। हाथ में वो वाली लाइट जला दे, वहां वाली हर कोई तुम्हें केक लाला के लाला के काटता है। मैनेजर है वो, उन्हें अवार्ड मिला मैनेजर का, फिर अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा था? सब केक लाला के लेंगे हमारे बर्थडे पे, तो ये भी चांस लग रहा है, हमारा ये भी डर रहा है केक आएगा या नहीं। काट देंगे और कटते मेरे टीमरों को पता नहीं, मैंने किसी को मुझसे बोला भी नहीं यार। पहले इसके साथ बैठ के फोटो वोटो खिंचवा लो एक आधी, हाथ में तो ले लो। अच्छा लगेगा, क्यों नहीं अच्छा लगेगा। हाँ मैं आ रही हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, एक क्लैप तो करो। डे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। सो गए लग रहा है। खिला दो पापा को, खिलाओ पहले बेटा। कोई बात नहीं, पता भी नहीं चला कब ने मुंह में। मम्मी कुछ भी हो, कुछ मम्मी अब ये ले लो, ये कैडबरी चॉकलेट। रुको मैं देती बेटा। कैसा लगा खाने में वैसे? मैं तो अपने मुंह ही खा रही हूँ। हाँ तीन चार केक खा रखे तो तुम्हें। मैं ही खा रही हूँ। तो ये रहा सेलिब्रेशन, बस छोटा सा सेलिब्रेशन किया था, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो बस खाना बनाया था, खीर तो बनाई थी, आलू टमाटर की सब्ज़ी और पूरी बनाई साथ में। हम सब ने बैठ के पहले बहुत सारी बातें करी और उसके बाद खाना खाया, सो उसके बाद मैंने कैमरा नहीं उठाया तो इसी वजह से। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर एंड, आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलती हूँ, बाय बाय एंड टेक केयर।